Hello and welcome to our new vlog. Before we start the vlog, please make sure to like and subscribe. Vikas Gori Vlogs. Like and subscribe. बहुत जबरदस्त किस्म का मैच होने वाला है. आज मैच होगा हमारा इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान. और पाकिस्तान की टीम में है ये माय स्पोर्टर मिस्टर हारिस अंडरसन एंड वेरी वेरी टफ मैच टुडे. आज देखते हैं कौन जीता है. आज जबरदस्त मैच होगा, जबरदस्त किस्म का मैच हमने खेला अपने होम ग्राउंड में. आपको दिखाएंगे साथ साथ आगे क्या होता है. आज हम पास्ता भी बना रहे हैं, जबरदस्त किस्म का बच्चों के लिए पास्ता भी बनाएंगे. आपको पता है यूके से बच्चे हैं, उन्होंने चाची की को फरमाइश किया है कि चाची हमने पास्ता खाना है, तो पास्ता भी बनाते हैं हम साथ साथ. वेल डन किस्म का, अच्छा सा स्वीटी सा, देखते हैं पसंद आता है कि नहीं. आ ही जाएगा जी. ये देखें, इसमें प्याज भी डाल चुका है और लहसुन भी डाल चुका है. ये अभी प्याज हम कर रहे हैं ब्राउन, अभी इसको भूनते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि हम आज क्या कर रहे हैं. साइड पे पानी बॉयल हो रहा है. पानी में बड़े कोई बुलबुले बन रहे हैं जी, बड़े ज़बरदस्त किस्म के. और नमक ये हम बॉयल कर रहे हैं पास्ता के लिए. देखें जी, ये मैक्रोनीस ये पड़ी हुई हैं, ये चिलीस, ये सोया सॉस, ये सारी चीज़ें, और ये चिकन. ये देखें चिकन भी, और ये चीज़ें सारी ऑलरेडी मौजूद हैं और बन रहा है इंग्लैंड के लिए बच्चों के लिए पास्ता. चिकन भी डाल दिया है, तैयार हो रहा है चिकन. अंदर पास्ता बन रहा है आपके लिए. और ये देखें जी, हारिस साहब ड्राइविंग कर रहे हैं गाड़ी की. हेलो, हाउ आर यू? गुड. यू ड्राइव द कार? ओ ये देखें जी, हारिस साहब बाहर आ रहे हैं. ज़बरदस्त पास्ता तो हो गया यहाँ पे रेडी. और अभी हम निकल रहे हैं ढुडियाल की तरफ, कुछ थोड़ी सी सामान लेना है. तो अभी चलते हैं ढुडियाल, वहाँ देखते हैं क्या कुछ सीन बनता है. तो जब तक आप पास्ता इंजॉय करें जी, अपने कुछ जूते वगैरह लेने के लिए. तो यहाँ पे देखें बड़े पहले प्यारे मुर्गे जनाब, जमान चौक में ये बिक रहे हैं. बड़े बड़े प्यारे मुर्गे हैं ये, आपको दिखा रहे हैं. परिंदे हैं, वेरी नाइस. ये देखें, देखें कितने प्यारे प्यारे मुर्गे. ये जब हम आते हैं बाज़ार में तो हमें कोई ना कोई यूनिक चीज़ मिल ही जाती है. ये देखें शाम का वक्त है, ये खरगोश है रैबिट. ये भी देखें, ये छोटे छोटे जनाब देखें परिंदे तोते हैं ये. और ये देखें, ये तो बहुत ही नाराज़ हुआ हुआ लग रहा है. वेरी नाइस. ये जमान चौक का एरिया है, तो मैंने कहा अभी निकले हुए थे तो मैंने कहा थोड़ा सा दिखा ही दें आपको. चले अभी देखते हैं आगे, शायद हमें कोई चप्पल वगैरह मिल जाए. तो इधर कोई कबूतर है, ये कबूतर है, ये कबूतर. ये जनाब न्यू खान चप्पल हाउस है जी, जमान चौक में. बड़ी अच्छी जनाब ये चप्पलों की दुकान बनी है. ये देखें बड़ी अच्छी बच्ची, इनके पास खेड़ियाँ हैं. ये देखें जनाब अच्छी चप्पल है. ये शूज़ की वैरायटी भी है. ये नई खान साहब आपने नई बनाई है? जी, ये महीना हो गया. महीना हुआ है जी. ठीक हो, मतलब महीना में काम ठीक है, इधर अच्छा जा रहा है. चलें अल्लाह का शुक्र जी. यहाँ आए जी, अच्छी दुकान है. सही बात है. नहीं नहीं बड़ा अच्छा जी. तो ये भी क्या कुछ जोड़ रहे हैं चप्पलें? ये भी काम साथ जा रही है नहीं तो बाहर. अच्छा अच्छा, जबरदस्त. चले हम भी चप्पलें लेने आए थे, हमें तो नहीं मिली. बहर यह है कि हमारा साइज का कोई मसला है इंशाल्लाह. ये देखें ऊपर, जबरदस्त जी. देखें जी, हम शाम के टाइम आए, बड़ी अच्छी अच्छी ताज़ी सब्जी मिल रही है यहाँ से. ये देखें वेरी नाइस जी. हम सब्जियाँ दिखाते हैं तो लोग कहते हैं ढुडियाल से सब्जी लेके आए. मीरपुर वाले भी कहते हैं, इस्लामाबाद वाले कहते हैं, यहाँ कहते हैं यहाँ ढुडियाल में अच्छी मिलती है. वाह जी वाह. ये देखें जी यहाँ पे फ्रूट, वेरी नाइस. ये देखें बहुत आला जी. ये अनार किस तरह है साहब? ज़बरदस्त. चलें अल्लाह खैर करे जी. यहाँ पे जमान चौक में पिशावरी चपली कबाब भी तैयार होते हैं, बड़े ज़बरदस्त. ये देखें जनाब, भाई ने बड़ा ज़बरदस्त सेटअप शुरू किया है. वेरी नाइस जी. वाह क्या बात है, ये तो पेशावर की याद आ गई है जी. क्या बात है. किस तरह दे रहे हैं कबाब? ये कबाब 150 रुपये का. 150 रुपये का कबाब, बड़ा प्यारा साफ़ सुथरा भाई ने निज़ाम बनाया है जी. ये देखें
यकीमा देखें, मैं कहता हूँ क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त भाई, अल्लाह आपके काम में बरकत डाले। ये चेक करते हैं आपके कबाब, शाम को आए कितने बजे तक दुकान खुली रहती है? 10 बजे तक जनाब, ये जमान चौक में दुकान खुली रहती है। हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, ये देखें, ये जनाब इनकी लोकेशन है, न्यू खान बनू पुलाव। लेकिन ये बना रहे हैं यहाँ पे चपली कबाब भी ज़बरदस्त है। आएंगे जनाब आपके पास शाम में आएंगे। टू मारो खेल सा क्रिकेट, टू मारो प्लेइंग द क्रिकेट टुडे, वेयर इज योर बैट? जी अभी क्या कह रहे हैं, दिन को आपको बताया था ना कि हम मैच खेलेंगे, लेकिन अभी तो हो गया है अंधेरा, ये देखें ऊपर, और मैच हमारा अभी कैसे होगा? और ये बॉल, ये दिस इज बॉल, बॉल ये हमें बॉल तो मिल गया, अब बैट नहीं मिल रहा। बैट किधर है? बैट वेयर इज द बैट? बच्चे खेल रहे हैं जी, अभी क्रिकेट का कोई मूड था लेकिन मिस हो गया क्रिकेट। चलें देखते हैं अभी क्या बनता है। हाँ जी, मुझे लगता है कि मैच अब हमें कल खेलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ने ज़िद की थी कि आज क्रिकेट मैच खेलना ही खेलना है, लेकिन लगता है कि आज मैच मुश्किल है, क्योंकि अभी रात भी हो चुकी है और आपको पता है कि बच्चे बेचारे थक जाते हैं। तो अभी ये बाज़ार वगैरह भी गए हुए थे, अभी बाज़ार से वापस आए, अभी खाना पीना करेंगे तो अभी ये सो जाएंगे। तो चले हम कोशिश करेंगे कि मैच अब कल खेला जाए, अभी देखते हैं, अगर बैट मिल गया तो ठीक, नहीं तो कल आपको फिर मैच दिखाएंगे, अगर हुआ तो, अगर बारिश ना हुई तो, बारिश भी हो सकती है मैच में, कोई पता नहीं होता। पाकिस्तान वाली टीम वैसे भी कहती है कि बारिश हो जाए ताकि मैच ड्रा हो जाए, अभी देखते हैं क्या कुछ सीन बनता है। नहीं जी अभी मैच तो बहुत मुश्किल है, और यहीं पर व्लॉग का करते हैं एंड, और इन फूलों की तरह आप सब मुस्कुराते रहिएगा और साथ निभाते रहिएगा। तो इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही तो नए व्लॉग के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त, और एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें, ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएं। अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।